तो आज की हमारी क्लास में हम बात करने जा रहे हैं डैशबोर्ड्स की। डैशबोर्ड्स क्या होता है, प्लीज इसके बारे में जानिए। तो रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, तो रिपोर्ट्स में कई सारे इन्फॉर्मेशन, कई सारे एनालिसिस हैं, कई सारे कंपेयर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे होते हैं। डैशबोर्ड्स का मतलब होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ सामने हो। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी ड्राइव करते समय आपके गाड़ी का पूरा कंट्रोल आपके सामने डैशबोर्ड पे होता है, और सामने होता है उसको डैशबोर्ड कहते हैं। हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ का कंट्रोल आपके पास होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके ये देखना हो कि आपके पास गाड़ी में पेट्रोल कितना बचा है, उसको देखने के लिए आप गाड़ी रोके पीछे डिक्की टंकी खोल के देखें, मीटर दिख रहा है वहाँ पर, मीटर पर पता चल जाता है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन ड्राइवर को ड्राइवर शीट पर पता चला जाता है। उसी तरह से रिपोर्ट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, एवरी इंफॉर्मेशन को आप जो है ले सकते हैं किसके थ्रू, डैशबोर्ड के थ्रू। तो चलिए एक डैशबोर्ड हम बात कर रहे हैं आपके साथ, बनाते हैं। मैं अभी एक कंप्यूटर स्क्रीन आपको देता हूं, और सबसे पहले मेरे पास एक डेटा है, हम उस डेटा के ऊपर जिक्र करेंगे। ये हमारे पास ये डेटा है, एक बार डेटा को समझते हैं। डेटा को समझना जरूरी होता है। तो जो डेटा है आपका, एक आईटी टीम का डेटा है। आईटी टीम जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ खराबी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है एक टिकट रेज करते हैं अपने आईटी टीम को, और आईटी टीम क्या करती है, उसको रिजॉल्व करती है। तो उसी का एक डेटा है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें टिकट नंबर्स हैं जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, डेट्स है, नेम्स है, एचआर डिपार्टमेंट्स है, सिटीज है, कैटेगरीज है, प्रायोरिटीज है, स्टेटस है, कस्टमर की रेटिंग्स हैं, और किस एजेंट ने सॉल्व किया और कितना टाइम लगा, ये टाइम का रेशियो है। और ये पूरा जो है तकरीबन 5000 से ऊपर का हमारा डेटा है। अब मुझे इस पे जो डैशबोर्ड्स बनानी है, कुछ इस तरह की डैशबोर्ड्स बनानी, हालांकि मैं इसको इंटरनेट से देखा है, तो हम इसी तरह की डैशबोर्ड्स बनाना चाहते हैं। तो बस अभी खुल रही है, 2 मिनट में खुल जाएगी। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हम चाहते हैं बनाना एक्सेल पे इस डेटा से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। और इसको हम डबल विंडो में रख देते हैं। आपके सामने दिख रहा है। तो यहां पे हम सीट, यहां पे एक सीट लेते हैं सबसे पहले। तो स्क्रीन बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। हमने इसको मर्ज किया, इसको कलर ब्लैक करता हूं और यहां पे व्हाइट मारता हूं, और यहां पे लिखता हूं आई टी। उसके बाद जो है अब यहां पे जो है हमें देना है ऑल। तो हमने इतना साइड से भी इसको छोड़ दे, सॉरी एक कॉलम लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो डैशबोर्ड में प्रॉब्लम होती है डिजाइन तैयार करना। यहाँ पे हमने ले लिया, और एक रो छोड़ के यहाँ और यहाँ
ये जो यहाँ फीचर्स आ रहे हैं ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको टिकट्स बाई, आप इसको बड़ा करता हूँ, ये सबसे पहले मुझे ये सर्विस चाहिए टिकट स्टेटस में सब परफॉर्मेंस का, और बाकी जो चार है ये एरिया पहले मुझे बनाना है। तो यहाँ हम इंसर्ट करते हैं सैप्स, इसको हम 3D यहाँ पे सैप्स इफेक्ट में इसको हम सैप्स इफेक्ट में हम इसको 3D इफेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा, और इसकी जो फिल कलर है तो फिल कलर को हम ग्रे कर देते हैं, बेटर है। अब इसमें जो पहला हमारा आ रहा है ये तो चलो ठीक है, पहला जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है टिकट स्टेटस, जो टिकट का स्टेटस है वो मुझे शो करना है यहाँ पे, तो टिकट स्टेटस तो आपके सामने। अब इसको जो है हम सोच रहे हैं पिवट के थ्रू बनाने के, हालांकि फॉर्मूले वगैरह तो बहुत लगते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस डैशबोर्ड को पिवट के थ्रू बनाएं, क्योंकि मेरे इस बैच में जो मेरे अभी आज जो ज्वाइन कर रखे इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास इसकी नॉलेज बहुत कम होगी, VVA और बाकी चीज़ों की नॉलेज कम होगी, तो चलिए हम इसको पिवट के थ्रू ही बनाते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट करके एक नया सीट देता हूँ, सीट टू जो है नहीं सीट एक और सीट यहाँ ले लेता हूँ, इसको हम सपोर्ट का नाम देते हैं, डैशबोर्ड में सपोर्ट सीट होती है, जरूरत पड़ती है इसकी सपोर्ट सीट में हमने इसको इंसर्ट किया पिवट टेबल, एंड यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा है वो है कि हमें स्टेटस वाइज टोटल टिकट चाहिए, क्लोज इसमें क्लोज एक्नॉलेजमेंट एंड ओपन का पूरा चाहिए स्टेटस वाइज कि कितना हुआ है। तो हम इसके बाद वापस एक्सेल शीट पे आते हैं और हमने यहाँ पे स्टेटस को उठाया और रख दिया रो लेवल में, जी हाँ स्टेटस को उठा के हमने इसको रो लेवल में रख दिया ताकि ये स्टेटस आगे हमारे पास। उसके बाद यहाँ हमने नंबर ऑफ टिकट्स हमने यहाँ ले लिया, टिकट आईडी को यहाँ रखा, और इसको हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में काउंट ले लेते हैं ताकि काउंट पता चले। इस पे हम बनाते हैं एक चार्ट, इस चार्ट में हम इसको हाइड कर देते हैं ऊपर हाइड ऑल नंबर्स, इसको भी देने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ हम जो है देंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे ऐड डेटा लेबल करना होगा, और फिर इस डेटा लेबल को सिलेक्ट करके जाना है फॉर्मेट चार्ट एरिया में, और यहाँ मुझे परसेंटेज शो करना है नंबर्स में परसेंटेज, इसकी कलर वगैरह और डिज़ाइन वगैरह हम अलग से ले सकते हैं, हमने यहाँ पे एक अच्छा सा डिज़ाइन चूज कर लेते हैं या कोई और डिज़ाइन भी आप ले सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि वहाँ जो दिया हुआ वही डिज़ाइन दें, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन ले सकते हैं। अब इसको कट करता हूँ मैं, कट करके मैं जाता हूँ अपने डैशबोर्ड्स पे जो हमारा डैशबोर्ड्स है, और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं नो फिल कर देता हूँ और बॉर्डर नो फिल कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको हम फिट करते हैं और इसको थोड़ा छोटा करके फिट करते हैं, यहाँ जो थोड़ा सा बड़ा करता है इसको नीचे, और यहाँ जो दिया हुआ है ना इसमें हम देखिए यहाँ तो ये कॉम्बो चार्ट है जिसको चेंज भी कर सकते हैं आप, डिज़ाइन में आइए चेन चार्ट टाइप, और यहाँ पे मैं ये जो है जनरल चार्ट ले लेता हूँ, ओके इस तरह से आपके सामने दिखे, और फिर फॉर्मेट डेटा सीरीज में
यहाँ पे चलो ऐड डेटा लेबल करना है ना, ऐड डेटा लेबल परसेंटेज, इसकी जो ये है इसको वाइट कर देता हूँ क्योंकि वाइट पे अच्छा दिखेगा। और जो यहाँ टोटल लिखा हुआ है तो टोटल के जगह पे होता है टिकट्स बाय स्टेटस, यहाँ पे हमने कर देते हैं टिक। उसके बाद अगला जो आता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अगला हमारा यहाँ पे होता है। तो परफॉर्मेंस भी ये आपको दिख रहा है ना कि रेजुलेशन रेट एंड एजेंट यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमें ये चीज बताना है कि इसमें कि नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ टिकट्स था और कितना नंबर ऑफ क्लोज हो गया यहाँ पे। और यहाँ टाइम टेकन आता है, मतलब कि हमारा जो टाइम टेकन है वो हमारा है मैक्सिमम 5 डेज का। तो 5 डेज के हिसाब से कितने कितने टाइम में क्लोज हुआ। तो चलिए हम सपोर्ट पे आते हैं और यहाँ हम अगेन चार्ट को यहाँ फेस करते हैं, इस चार्ट इसे पिवट को सॉरी माफ कीजिएगा, इस पिवट में हमें जो है कुछ नहीं करना है, मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग लिंक भेज दूंगा, मैं आज रिकॉर्डिंग परमिशन नहीं दे सकता, मैं डिसेबल है सर। अब यहाँ पे मुझे क्लोज बाय टोटल का ये चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो कितना हुआ, कितना क्लोज कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, तो परसेंटेज उसी हिसाब से मुझे चाहिए। तो यहाँ हमने क्या किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया, सो वैल्यू एज पे आया, कैलकुलेशन की जगह पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। तो यहाँ आप देखिए क्लोज का 50% आ रहा है। तो यहाँ से मैं एक्नॉलेजेबल हटा देता हूँ और ओपन हटा देता हूँ, 100% आ रहा है। यहाँ पे एक कैलकुलेशन वर्क नहीं करेगा, इसकी जगह पे कोई और कैलकुलेशन रखना पड़ेगा क्योंकि जो क्लोज है उस क्लोज के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो यहाँ पे काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसके लिए फिर यहाँ पे हमें वैल्यू फील्ड सेटिंग में आते हैं, नहीं इस पे नहीं, मैं चलता हूँ टेबल टेबल एनालाइज पे, और यहाँ जो है हमारा कैलकुलेटेड फील्ड है, कैलकुलेटेड फील्ड में हम परसेंटेज देते हैं और यहाँ परसेंटेज में हम काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, स्टेटस डिवाइड बाय काउंट इफ, और काउंट इफ में हम रेंज में स्टेटस देते हैं और यहां पे देते हैं क्लोज। और यहां इसको ऐड करते हैं, स्टेटस मेरे काउंट स्टेटस क्लोज,
ये फॉर्मूला इसमें वर्क नहीं करेगा। अब यहां पे मुझे सिर्फ क्लोज का ये चाहिए, रिवर्ट चाहिए, सिर्फ ओनली फॉर क्लोज का परसेंटेज। तो यहां हम क्या करेंगे, टोटल 100% और यहां पे हम गेट प्योर डेटा का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, गेट प्योर डेटा से क्या होगा कि आपका जो है वहां कुछ भी चेंज होगा तो सिर्फ क्लोज का ही उठाएगा गेट प्योर डेटा। ठीक है, यहां पे क्लोज लिखा हुआ, क्लोज का उठाएगा और फिर इस पे परसेंटेज का सिंबल देते हैं और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में आते हैं और इसमें हम बार चार्ट को लेते हैं। तो ये 100% बार चार्ट, बट ये अलग हो रहा है क्योंकि हमें 100% जो बार चार्ट चाहिए था ऐसे नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे 100% और यहाँ भी 100% हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आते हैं और बार चार्ट जो है इसको लेते हैं आपके सामने। अब देखिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ए आपका ऊपर वाला 100%, इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये नीचे वाला 100% है। तो एक मैं इसको स्विच करता हूँ, अब बेटर है। इसमें परफॉर्मेंस स्कोर चाहिए, इसमें एक मिनट, टोटल क्लोज यहां रखता हूं। इसको सेलेक्ट करता हूं और डेटा बार में मैं यहां पे बार चार्ट को लेता हूं। तो बार चार्ट में दो अलग अलग सीरीज बन रहा है यहां पे, टोटल क्लोज का दो अलग अलग हमें क्या करना होगा, एक ब्लैंक ए चार्ट लेना होगा और इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा ऐड, यहां पे हम परफॉर्मेंस लेते हैं और यहां जो है हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं।
इस तरह से हमें चाहिए था। अभी टोटल को डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, और ये जो लाइनिंग है इस लाइनिंग को डिलीट करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो यहाँ जो हमने 100% दिया हुआ है इसमें इक्वल 100% माइनस 50%, ताकि दोनों 100% रहे। माइनस करना था, हम प्लस हो गया। अब इसमें हमने अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है, तो इसको कर देते हैं हम ग्रे कलर। फॉर्मेट डेटा सीरीज, इसमें हम यहाँ करते हैं कलर में सॉलिड फिल, इसको कर देते हैं ब्लैक सॉलिड फिल, इसको यहाँ पे करते हैं ब्लैक। अब इसको यहाँ से हम कट करते हैं और अपने डैशबोर्ड पे ले जाते हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, छोटा कीजिए इसको। इसमें हम इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको नो फिल और बॉर्डर को नो फिल कर देते हैं। नो फिल, नो फिल। ओके, एक कलर कोई और कलर करना पड़ेगा मुझे इसको। मुझे इसको जो है एकदम वाइट करना है, ताकि इसको जब मोफिल, इसकी बैकग्राउंड को जब मोफिल किया जाए तो दिखे। फिर यहाँ पे मेरा कस्टमर रेटियो, कस्टमर रेटियो हमें चाहिए। कस्टमर रेटियो को वापस सपोर्ट में आते हैं और पिवट को वापस इसको कॉपी करते हैं और नीचे इसको पेस्ट करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे इसको धीरे धीरे हटाता हूँ और इस पर हम पिवट में स्टेटस को हटा देते हैं और यहाँ हम टोटल टाइम टेकिंग को लेते हैं। नहीं, यहाँ पे बस टाइम टेकिंग, तो ये आपका टाइम टेकिंग जो है वो है 13,500, इतना समय आया। बट इसमें इसका टोटल टाइम मतलब 13,652 मिनट में सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया था, लेकिन इसमें जस्ट हमारा क्लोज का चाहिए, तो हमें फिल्टर इसमें फिल्टर में हमें यहाँ स्टेटस में इसको रखना होगा और इसका इसको जो है क्लोज देना होगा, क्लोज यहाँ से जस्ट क्लोज करना होगा। यहाँ से अनचेक कर दिया तो एक क्लोज हो गया सर। और इसमें एक बार और हमें क्या करना है, टाइम टेकन को, तो टाइम टेकन में यहाँ हम जाते हैं डिजाइन में और फिल आइटम कैलकुलेटेड फिल, इसमें टोटल टाइम। अब टोटल टाइम में हम क्या करते हैं, काउंट ए, काउंट ए में हम टी नंबर को लेते हैं और दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5 एंड ओके। टाइम को तो सम का 5 ही क्यों आया इसमें,
जहाँ पे हम टी नंबर को रखते हैं और टी नंबर को काउंट करेंगे, और यहाँ हमारा हो जाएगा सेम फॉर्मेट में, जे फॉर्मेट में लिखा है ना, इसको सेम फॉर्मेट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम टाइम में यहाँ जो हो गया टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम है काउंट ऑफ टी नंबर मल्टीप्लाई बाय 5। और वाप आया कितना है, तो ये आया सम। अब इसको जो है हमें सेम बार चार्ट में हमें देना है, सेम बार। पिवट टेबल के एनालिसिस के लिए पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर एनालिसिस ओपन हो जाता है। यहाँ हम आते हैं चार्ट में, एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करते हैं, ब्लैंक बार चार्ट, फिर राइट क्लिक करते हैं, इसमें देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसमें देते हैं सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में हम देते हैं ऐड, ऐड में हम देते हैं टाइम, और इसमें हम जो है इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ये दोनों को सिलेक्ट करने पे दोनों हो जाता है, तो इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सही है। और फिर वापस यहाँ पे हम क्लोज को लेते हैं इक्वल, इसको सिलेक्ट। देखिए इसको इस तरह से दिखाना सही नहीं रहेगा, इसको थोड़ा अलग तरीके से दिखाना होगा। कैसे अलग तरीके से दिखेगा, मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूँ। इसको सेलेक्ट करके हम चार्ट में आते हैं, और चार्ट में हम जो है इस वाले चार्ट को ले लेते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं, पिवट टेबल डेटा सीरीज में आते हैं, और इसकी जो गैप है इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करते हैं, इसकी गैप को हम बढ़ाते हैं घटाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ भी हम 1000 इसको हम यहाँ डेटा सीरीज में आते हैं, हाँ इसमें इसकी गैप को बढ़ाते हैं, इसको ओवरलैप कर देते हैं, बिल्कुल ओवरलैप। अब इससे फ़ायदा क्या है, हम आपको इसके बारे में बताते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है। अभी देखिए क्या है कि हमने इसको इस तरह से कर लिया, इसको यहाँ डिलीट करते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, इंसर्ट करते हैं किसमें, सैप्स में, सैप्स
ये बेटर है। इसको हम क्या करते हैं, अपना इसमें फॉर्मेट बनाते हैं सेव फॉर्मेट में, और इसकी जो बॉय है आउटलाइन है सॉरी शेप्स को मॉडिफाई कर देते हैं, और इसकी जो बॉर्डर कलर है इसको रेड कर देते हैं, शेप्स को कर देते हैं मॉडिफाई, इसको कॉपी करते हैं, और जो ये ब्लू वाला एरिया है इसको सेलेक्ट करके इसकी पिक्चर्स पे आते हैं, और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पिक्चर्स एंड टेक्सचर्स में क्लिप बोर्ड ले लेते हैं, और फिर वापस इस पे आते हैं, और हम इसकी इसमें सेव फॉर्मेट में आते हैं, इस बार इसकी जो जो कलर है उसको रेड कर देते हैं, और इसकी जो बॉर्डर है तो बॉर्डर को नो आउटलाइन कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस वाले पार्ट को, और इसकी पिक्चर्स में पिक्चर टेक्सचर्स में मैं इसको क्लिप बोर्ड कर देता हूँ। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, अब जैसे 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 नंबर्स बढ़ेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे नंबर्स मैं बढ़ा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मान लीजिए कि ये नंबर्स बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10,000, तो 10,000 करते हैं, देख रहे हैं पूरा फिल हो रहा है, तो सिलेंडर की तरह ये परफॉर्म कर रहा है, तो इसको नो फिल कर देता हूँ, इसको भी नो फिल, इसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं, कट करते हैं, और अपने डैशबोर्ड्स पे ले जाते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि अच्छा दिखे। हालांकि तो यहाँ पे दो तरीके, ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं, इसमें अब आता है स्माइली। अब इसमें जो स्माइली का आपको यहाँ देख रहे हैं कि स्माइली कितना परसेंट स्टैटिक्स जो है सर्टिफिकेशन रेट है, सर्टिफिकेशन रेट में हमें यहाँ पे शो करना है सर्टिफिकेशन रेट कैसा होना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से, तो स्माइली हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, इसमें स्माइली नहीं होता है एक्सेल में, तो हम यहाँ पर आते हैं गूगल पे चलते हैं, और यहाँ पे स्माइली डालते हैं, इमेज में आते हैं, तो ये आ गया आपका ए वाले स्माइल को कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज, अपने डैशबोर्ड पे आते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और यहाँ डालते हैं, ये हो गए आपका जो कम टाइम में हुए हैं, मतलब कि 0 days में पहला, दूसरा है जो 3 दिन में हुए हैं उसके लिए स्माइल ढूंढते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है उसका। अब इसके बाद आता है बैड, कॉपी इमेज, ये मतलब कि ये 3 दिन से ज्यादा वाला, चलिए इसको भी हम पिवट से लगा रहे हैं। अब सारी चीज़ें पिवट्स क्यों लगा रहे हैं और फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम स्लाइसेस लगाना चाहते हैं इसलिए। अब यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं, और इस पर आते हैं हम
इसमें हम यहाँ पे स्टेटस को रखते हैं यहाँ, और टी नंबर को रहने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे टाइम टेकन को इसकी जो बैकग्राउंड वगैरह है उसको, इसकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट करके आ रहा है, इसकी बैकग्राउंड यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, नो ऑफलाइन करता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि जीरो वाला यहाँ पे है, तो लेकिन मुझे यहाँ पे करना है जीरो वाले, और दो और तीन, तीन तक का जीरो वाले आ गया, तीन तक का ये रहा, एक दो तीन वाले को यहाँ पर मैं ग्रुप कर देता हूँ ताकि इकट्ठा हो जाएगा, और फाइव वाले और फोर और टाइम टेकन हटा देता हूँ, यहाँ हो गया 3, 2, 5, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये आ जाता है हमारा 4 to 5। तो 4 to 5 प्लीज को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंड ग्रुप, ये आ जाता है 4 to 5। अब क्लोज वाले लेके जाना है हमें मॉडलिंग में, क्लोज सिर्फ क्लोज वाले, तो इसको लिंक करने के बजाय मैं पे कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, और इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं कि ये जो है इतने परसेंट, इतना जो है क्लोज हो गया। परसेंटेज में हमें इसको नंबर में नहीं चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो उसके लिए वापस सपोर्ट पे चलते हैं, और सपोर्ट में मैं यहाँ काउंट नंबर को लेता हूँ, और यहाँ हम कर देते हैं परसेंटेज ऑफ ग्राम टोटल, तो ये आपका परसेंटेज आ जाता है कि 84% क्लोज हो गया है जीरो डेज में। तो यहाँ हम इसको पेस्ट एज ए लिंक कर देते हैं, पेस्ट एज ए लिंक, ये हमारा जीरो डेज, और उसके बाद वापस आते हैं इसमें सपोर्ट में, और हम 1 से 3 दिन वाले को उठाते हैं, और यहाँ अपने इस वापस इस पे आते हैं, और अगेन पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, और हमने इसको उठाया और यहाँ पे डाल, उसके बाद हम वापस जाते हैं, सपोर्ट में हम इसको 17% 4 to 5 वाले में डालते हैं जो कि गुड नहीं है, और इसको पेस्ट एज ए पिक्चर, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते हैं, और इसको यहाँ से उठाते हैं और वापस इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमारा कैटेगरिया फुल कि आपका ये बन के तैयार। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे का जो ऑप्शन है उस पर चलते हैं, तो उसके लिए हमें अपने पेज पे चलना होगा, और यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे से ऑल टिकट्स, ये आपका जो दिख रहा है ऑल टिकट्स, ऑल टिकट कितना है, क्रिटिकल कितना है, ये हाई कितना है, मीडियम कितना, ये हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम इसके लिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ऑल टिकट्स, और यहाँ पे हम इसको इतना एरिया मर्ज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ब्लैक,
रहा है कि ऊपर वाले को भी ब्लैक कर देंगे। देखिए इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो रखेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट बॉर्डर, बॉर्डर के कलर मैंने वाइट ले लेता हूँ और हम यहाँ नीचे का दे देते हैं थोड़ी मोटा वाला कलर वाइट एंड ओके। अब इसकी कलर भी वाइट कर देते हैं। अब यहाँ ऑल टिकट मतलब कि नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं वो हमें दिखाना है, तो 594 इतने नंबर ऑफ टिकट्स हैं, तो इसको आप लिंक करके भी दिखा सकते हैं। गेट पीवर्ड्स अपने आप आ जाएगा यहाँ इतने डैश बोर्ड, तो यहाँ हम इक्वल और सपोर्ट पे जाते हैं और इसको ले लेते हैं, गेट पीवर्ड्स आ जाएगा और इसकी भी कलर वाइट कर देते हैं, मिडल में करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और एक कॉलम को छोटा करते हैं थोड़ा सेपरेशंस, फिर इसको भी सेम मर्ज करते हैं। इसकी कलर ब्लैक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे क्रिटिकल मतलब कि रेड क्रिटिकल है कंडीशन, तो यहाँ पे हम रेड को लेते हैं, नहीं सबसे पहले तो हम जाएंगे सपोर्ट में, इसका पिवट तैयार करना होगा पहले ना, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और यहाँ हम स्टेटस में स्टेटस में नहीं लेते हैं, प्रायोरिटी में लेते हैं, क्रिटिकल हाई लो मीडियम सही है। चलिए डैशबोर्ड पे आते हैं, अब इसकी बैकग्राउंड कलर को हम देते हैं रेड, इसको भी देते हैं रेड, मर्ज करते हैं रेड कलर, इसको भी देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से सपोर्ट में क्रिटिकल्स एरा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसकी जो है एक तो वाइट कर देता हूँ कलर, मिडल करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको लिंक भी कर सकते हैं आप सपोर्ट और इसको भी वाइट एंड बोल्ड और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर ऑटोमेटिकली वाइट कर देता हूँ, नीचे वाला बॉर्डर ले लेता हूँ। अब इसमें क्रिटिकल का हमें सिंबल चाहिए, यहाँ पे क्रिटिकल का सिंबल लगा है, सिंबल चाहिए, मैं इसको कॉपी इमेज में यहाँ से कर सकता हूँ और यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो क्रिटिकल्स आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो क्रिटिकल्स मुझे यू गूगल पे सर्च करना है, आई थिंक क्रिटिकल का सिंबल आपका यहाँ क्लिप बोर्ड में भी मिल जाएगा, आइकन्स में, आइकन्स में ही मिल जाना चाहिए। इसी को ले लेते हैं कॉपी इमेज और यहाँ
पे पेस्ट करते हैं, इसको एकदम छोटा करते हैं और यहाँ रखते हैं, ऐसे बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा बड़ा। और फोटोशॉप वगैरह इसकी बैकग्राउंड वगैरह मैच कर सकते हैं, बट यहाँ फोटोशॉप की सुविधा नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको वापस कॉपी और सेम पेस्ट करते हैं। अब क्रिटिकल यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है हमारा क्रिटिकल का नहीं है, किसका है, हाई का है। और क्रिटिकल का सैम्पल अगर अलग होता तो सही रहता। ये सही रहा, ये हाई पे छोड़ देता हूँ। और इसको एक काम और कर सकते हैं, पिक्चर फॉर्मेट में कॉर्प करते हैं ताकि जो फालतू के जो एरिया है ना वो हट जाएगा। क्रिटिकल जगह पे यहाँ पे जो होगा इक्वल सपोर्ट में आते हैं और यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं हाई हाई, और यहाँ भी हाई का हम सपोर्ट में आते हैं और हाई का हम यहाँ से ले लेते हैं 1370। अब हाई के बाद वापस इस पर हम देते हैं, इसको छोटा करते हैं। हाई के बाद आता है मीडियम, ये आपका मीडियम, मीडियम का सिंबल जो है आई का निशान हम सोच रहे हैं। कॉर्प करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट कॉर्प, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाई का जो कलर है वो रेड नहीं होना चाहिए, हाई का कलर थोड़ा सा रेड में ही ये होना चाहिए। टेक्स्ट कलर व्हाइट को हटा देता हूँ, टेक्स्ट में व्हाइट में रेड, और ये जो है मीडियम जो है रेड नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए। इसमें देखो इसमें क्या कलर कर रखा है, हाँ मीडियम इसमें रेड कर रखा है, तो मुझे मीडियम में मीडियम को येलो करना है और इसको भी येलो करना है, और ये जो इसको ब्लैक कर दीजिए इसको भी ब्लैक कर दीजिए, और इक्वल प्लेस करके हम सपोर्ट में मीडियम के सामने जो है मीडियम के सामने ले लेते हैं, और यहाँ भी सपोर्ट में मीडियम के सामने हो जाता है। अब लास्ट जो बचता है वो बचता है लो, और लो वाले पे हम यहाँ आते हैं और लो वाले को करते हैं ग्रीन, और इसको यहाँ भी करते हैं ग्रीन,
और ई सिंबल यहाँ हट जाएगा और लो का सिंबल हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, लो आइकन। ये सही रहेगा। अब इस लो लेवल में हम इसको लो लेवल लेके जाते हैं और छोटा करते हैं और इसको यहाँ और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो फाइनली हमारा ये हो गया। सॉरी ये 1372 भी हो, इसमें हम सपोर्ट में मीडियम सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम सेलेक्ट करेंगे लो। तो हमारा ये पैटर्न समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ चाहिए कैटेगरी वाइज, हमें यहाँ चाहिए कैटेगरी वाइज कि ओपन कितना था और एक्नॉलेजमेंट कितना है, ओपन कितना और एक्नॉलेजमेंट कितना है मुझे चाहिए रिपोर्ट। तो सपोर्ट में आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ इसको हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करते समय हमें एक्नॉलेजमेंट को ऊपर रखना है और सॉफ्ट इसको कैटेगरी को हम यहाँ पे ओके। और इसमें हम ओपन एंड एक्लोजमेंट, ओपन एंड इसमें हम क्लोज को फिल्टर करके हटा देते हैं, राइट। क्लोज इसमें नहीं रहेगा, हमने फिल्टर करके क्लोज हटा एक्लोजमेंट एंड ओपन। और इस पे हम इंसर्ट करते हैं अपना बार चार्ट, इस वाले बार चार्ट। लेकिन ओपन के बिहाव पे मुझे कंपेयर सही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है मेरे पास डेटा इसका पर्याप्त ना हो। दो पॉइंट नहीं बन रहा है ओके। एप्लीकेशंस में हम एप्लीकेशन से क्लोज ही है, ओपन है ही नहीं। तो सेम चाहिए था। और इसकी थोड़ा से डिजाइन में आते हैं, देखिए 100 ये 184 ओके, नंबर सेम है इस कारण से ऐसा दिखा रहा है। ओपन सब पे 105 106 106 106, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं हाइड ऑल बटन फील्ड्स, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको लाइनिंग को भी डिलीट कर, यहाँ पे लाइनिंग जो है इसको भी इसको जो है हम शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने शॉर्ट कर दिया।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, हमने यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब इसको यहाँ से कट करते हैं और डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इसको नीचे तक लाना होगा यहाँ तक, और इसको छोटा करना होगा। इसकी जो बैकग्राउंड है, इसकी डिजाइन में आते हैं, एक अच्छा सा लेते हैं। अब बेटा उसके बाद मुझे यहाँ भी सिटी वाइज टोटल टिकट्स चाहिए, सिटी वाइज टोटल टिकट्स। तो वापस हम सपोर्ट में आते हैं, पिवट को कॉपी करते हैं, इसी पिवट को पेस्ट, और यहाँ पे हम देते हैं सिटी, पोर्टिंग हटाते हैं और सिटी यहाँ देते हैं, और सिटी में मोस्टली सिटी सेम ही है, तो हम थोड़ा सा सिटी को ड्रैग मारते हैं, रिफ्रेश। इंसर्ट, इसमें हम अपना ये चार्ट लगाएंगे। डिजाइन में आते हैं और थोड़ा सा स्टाइलिश स्टाइल ले लेता हूँ मैं, यहाँ राइट क्लिक, हाइट बटन्स, पोर्टल को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ टिकट्स का, टिकट्स, और इसको कट करता हूँ, डैशबोर्ड में जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ ओपन एंड क्लोज देना है पोर्टल, ओपन कितना है, क्लोज कितना है। तो यहाँ हम आते हैं सपोर्ट में, तो इसको ये सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको एक लाइन छोड़ देता हूँ और इसको सेलेक्ट, और मुझे इस पे इंसर्ट अपना पाई चार्ट लेना है, और इस पे बीच में जो लाइनिंग आ रहा है इसको छुड़ाने के लिए मैं यहाँ पे नो लाइन कर देता हूँ। ये देखिए बीच में नहीं, चार्ट टाइटल्स हटा दिया मैंने और इसको हटा दिया, और यहाँ पे ऐड डेटा लेबल ऐड करके देखना है, ऐड डेटा लेबल बीच में। साइज में बढ़ा देता हूँ, लेकिन ये तो हमें एक लॉन्च करना है ना, एक क्लोज है ना, क्लोज करना है, तो उसको राइट कर देता हूँ, राइट यहाँ पर राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, सीरीज वन के जगह पे हम एडिट करके इसका नाम देते हैं क्लोज एंड ओके, और फिर इस पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट फॉर्मेट डेटा लेबल्स, और इसमें सीरीज में दे देते हैं, तो क्लोज आ गया। इसकी साइज में यहाँ से हटाता हूँ, कम करता हूँ, बड़ा और हो सकता है, और ये जो कॉमा दिया हुआ है ना, कॉमा की जगह पे हम यहाँ से
से। इसकी बैकग्राउंड को मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट, बैकग्राउंड को ब्लैक या कोई और कलर कर दीजिए ताकि अच्छा दिखे। अब इसको यहाँ से कट करता हूँ और डैशबोर्ड्स पे हम यहाँ पे रखते हैं यहाँ। लेकिन इसकी सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेटेड चार्ट एरिया में इसको नो फिल नो लाइन कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ छोटा। इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और फिर वापस हम यहाँ सपोर्ट में आते हैं, एक और प्लेस करते हैं और हम इसको एक्नॉलेज को खोज लेते हैं और इस पर हम इंसर्ट करते हैं एक और चार्ट। सॉरी, ये तीन ले लिया ना, नहीं हमें इसको नहीं लेना चाहिए। ये आएगा क्लोज, क्लोज की जगह पे हमें इसको लेना था ACK। इस पे हम इंसर्ट करते हैं और बनाते हैं एक और चार्ट, बट इसको बैकग्राउंड में हम ले लेते हैं ब्लैक और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज और नो लाइन, ताकि लाइनिंग जो है हट जाए। चार्ट आइटम डिलीट मार दिया, ये हम डिलीट मार देते हैं। राइट क्लिक सेलेक्ट डेटा और सीरीज नेम में हम कर देते हैं इसको ओके, और फिर ऐड डेटा लेबल और इस डेटा को उठा के ऊपर रखते हैं और थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर इसको वाइट कर देते हैं और साथ में इसकी जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग में इसको हम सीरीज नेम डाल देते हैं एक्नॉस्ट, और बैकग्राउंड कलर को लेते हैं और यहाँ से नो फिल नो लाइन, इसको कट करते हैं। कट करने के बाद हम ले जाते हैं अपने डैशबोर्ड्स पे और डैशबोर्ड्स पे हम यहाँ पे इसको करते हैं। इसको यहाँ से छोटा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट चार्ट एरिया नो फिल था ना, नो लाइन नो फिल था। इसकी जो लाइनिंग है इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसकी बैकग्राउंड वाइट, इसकी बैकग्राउंड वाइट करते हैं और इसकी कलर है उसको ब्लैक। अब बेटर दिखेगा। अब अगला जो इसमें ऑप्शन है वो है यहाँ पे क्रिटिकल हाई का मंथ वाइज। तो सपोर्ट पे आते हैं, पिवट को वापस लेते हैं और यहाँ वापस यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और इस बार जो है स्टेटस को रखते हैं यहाँ पे और टाइम टेकन सिटी डेट डेट को रखते हैं ऊपर में, बट डेट में हम यहाँ से इसको ग्रुप करते हैं, इस पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक ग्रुप करते हैं और ग्रुप में हम लेते हैं ओनली फॉर मंथ मंथ वाइज। और इस पर जो चार्ट इंसर्ट करते हैं वो हम करते हैं ट्री मैप चार्ट, कांट क्लियर तो चल।
ओके, ट्री मैप चार्ट इस पे क्रिएट नहीं हो रहा। स्टेटस कॉपी यहाँ पे पेस्ट एज ए इस पे ट्री मैप बनेगा। तो पिवट टेबल पे टी मैप नहीं बनता, तो मैंने इसको लिंक करके नीचे ले आया। अब इसको यहां से हम कट करते हैं, कट करने के बाद ले जाते हैं डैशबोर्ड पेस्ट यहां, और ये हटा देता हूं, चार टाइटल हटा देता हूं, और यहां जो है इसको चार का बड़ा हो गया छोटा। इसमें दो चीजें, एक आता है यहां पे मंथ का कंट्रीब्यूशन कि किस मंथ में कितना परसेंट हुआ है, ये पिरामिड चार्ट। तो हम यहां सपोर्ट में इसको लेते हैं, एक और चार्ट बनाते हैं। इसको इंसर्ट, हमारे पास इसमें चार्ट में पिरामिड चार्ट होता है, इसमें पिरामिड चार्ट हम यहां पे ले सकते हैं। अच्छा, पावर बी आई में होता है पिरामिड चार्ट, है ना, फनल चार्ट को पिरामिड चार्ट कर सकते हैं, बट पिरामिड चार्ट ये भी आपको पिवट पे अप्लाई नहीं होता है। तो हमें इसको कॉपी करना होगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक करना होगा, और परसेंटेज में डाल देते हैं स्टेटस। अब इसको हम लेते हैं स्टार्ट, पिरामिड चार्ट जो होता है इस पे जो होता है पिरामिड चार्ट, और पिरामिड चार्ट आपके पावर बी आई में होता है, इसमें पिरामिड चार्ट नहीं होता है। एक्सेल में हमारा पिरामिड चार्ट नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें फनल चार्ट ले सकते हैं। फनल चार्ट इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। अब जो चार्ट है नहीं, हाँ उसको ग्राफिक्स की सहायता से किया तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, तो उतना ठीक नहीं रहेगा। अगली किसी क्लास में वो चीज़ आपको समझा दें।
आती है स्पीडोमीटर चार्ट, ये जो आपकी इसमें स्पीडोमीटर चार्ट लगी है, स्पीडोमीटर चार्ट आती है कि ओवरऑल क्या इसका रिलेशंस रहा, ये स्पीडोमीटर चार्ट होता है। स्पीडोमीटर चार्ट में काफ़ी टाइम देना पड़ेगा बनाने के लिए, इसको अलग तरीके से बनाया जाता है, तो ये हम आपको आगे क्लासेज में समझा देंगे, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। अब ये मेरा जो है डैशबोर्ड बन गया है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने पेज लेआउट में और ग्रिड लाइन को अनचेक कर देता हूँ। ग्रिड लाइन अनचेक हो गया और ये आगे तक बढ़ गया है, तो मैं थोड़ा आगे तक इसको मर्ज कर देता हूँ, आगे तक मर्ज हो जाएगा। के बाद जो बाकी का ब्लैंक एरिया है उसको कर देता हूँ हाई, ताकि जितना हमारा ग्राफिक्स है उतना ही दिखे, बाकी नीचे ऊपर वगैरह फालतू में ना दिखे, इसको भी हम कर देते हैं हाई। हाइट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ स्लाइसर, तो सपोर्ट के लिए, क्योंकि पूरी रिपोर्ट जो हमें देखनी है वो कुछ अलग तरीके से देखनी है, तो मतलब एक फिल्ट्रेशन चाहिए हमें, कहने का मतलब ये है। तो हम यहाँ पेपर टेबल एनालाइज में आते हैं स्लाइसर्स, तो स्लाइसर्स में नेम है, डिपार्टमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, तो मुझे मान लीजिए नेम वाइज रिपोर्ट चाहिए, नेम वाइज रिपोर्ट चाहिए और एजेंट वाइज चाहिए, दो चीज़ें लिया। अब इन दोनों को हम यहाँ से कट करते हैं स्लाइसर्स और इसको डैशबोर्ड पर हम यहाँ पर पेश करते हैं। छोटा करने के साथ साथ मैं इसकी स्लाइसर की सेटिंग में आता हूँ, इसकी कॉलम दो कॉलम कर देता हूँ, दो कॉलम तीन कॉलम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और इसको भी दो कॉलम कर देता हूँ। अब देखिए, अब प्रॉब्लम है कि बाकी जो चार्ट्स है पिवट है वो लिंक नहीं है, तो आपको वन बाय वन हर पिवट को इससे एनालाइज में जाना होगा और फिल्टर कनेक्शंस और इस स्लाइसर्स को सिलेक्ट करके ओके करना होगा। जितने भी पिवट्स हमने लगाए हैं सारे पिवट्स की बात हो रही है, फिल्टर कनेक्शंस, नेम, एजेंट नेम, यहाँ पे वापस फिल्टर कनेक्शंस, इसको भी सिलेक्ट कीजिए, फिल्टर कनेक्शंस, इसको भी सिलेक्ट कीजिए, फिल्टर कनेक्शंस, जितने भी पिवट्स हैं सारे पिवट्स आपको लिंक करने हैं। यहाँ पे फिल्टर कनेक्शंस और यहाँ भी फिल्टर कनेक्शंस और यहाँ भी फिल्टर कनेक्शन, ये हो गया। अब डैशबोर्ड पे आइए, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखिए, मैंने अमर को क्लिक किया तो मेरा पूरा रिपोर्ट अमर की अकॉर्डिंग हो गया, अगर मैंने अंकित पे क्लिक किया तो पूरा रिकॉर्ड अंकित के अकॉर्डिंग हो गया, इंदर पे क्लिक किया तो पूरा रिपोर्ट इंदर के अकॉर्डिंग हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि जो आप सेलेक्ट करेंगे ये रिपोर्ट उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा, फिल्टर डालेंगे ओवरऑल। तो ये थी हमारी डैशबोर्ड्स की क्लास, आप सभी ने मेरे साथ डैशबोर्ड्स की क्लास को लिया और ये तो मैंने पिवट के थ्रू आपको समझाया, और अगली जब मैं ऑर्गेनाइज करूँगा ऐसी क्लासेस उस समय मैं बताऊँगा कि इसको फॉर्मूले से कैसे किया जाए, और अभी भी ऑटोमेट है, जस्ट हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, डेटा डालने के बाद जस्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा और कुछ नहीं, फॉर्मूले से क्या होगा आपको रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भी बहुत सारे चीज़ें फॉर्मूले में डाला जा सकता है। और तीसरा पार्ट आता है VVA से, तो VVA में हम प्रोग्रामिंग कर देंगे, तो ये जो डैशबोर्ड्स इस तरह के बनाने के लिए बस सिर्फ ब्राउज करेंगे, बटन सेलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
तो मेरे ऐप पे बने रहिए, ऐप को देखते रहिए और इस तरह की नोटिफिकेशन आएगी तो आप उसको यूज करते रहें। थैंक यू।